नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज, नजर हर खबर पर। नहीं नहीं ठीक, हाँ बोला। और इधर ये शुरू करा दी, बात ये बंद कर दिया। नहीं नहीं, कल से काम शुरू करें। चला ठीक, कल लेबर वो व्यवस्था कर दिया। ठीक, चौकी इंचार्ज साहब से बात कर लें। चौकी इंचार्ज साहब से बात करके बता दे, सब बता दे। हम तोरा नंबर अपन नोट कर लो। फोन कइलम ना, हां सुनिया फोन किए, हां कहे कि काम नहीं ना लगाए हैं। हम कहे नहीं साहब, काम तो नहीं लगाए है, बिना बताए काम मत लगाइए। जब भी काम बिना बताए काम मत लगाना, जब भी काम लगाना हमसे बता करना है। ऐसे उनसे बता दे, मान नहीं कल हम लेके गए वो दिन भी लेके आए। हम कह देना हमारी जिम्मेदारी। हाँ तो वो आपे का जिम्मेदारी, आपे का जिम्मेदारी। हेलो, हाँ जय प्रणाम भैया। मैं भी कोई ठहरा आई। अच्छा क्या हुआ? शहर आवा लमई तरफ सोएपुर मिठा वहाँ अंतिम में हुआ। हम चढ़ाई दावा घरे आवा चलत ही घरे आवा घर में तो घरे पहुंचाती है किसवाड़े से। हवा घरे पहुंचाती है। हाँ हाँ, पांच मिनट पहुंच जाओ यार। कितना मिला? 25। जब भी काम लगाए कोई हमारे यहाँ खबर देकर सब काम लगाए। आप चौकी इंचार्ज से आप बात कर ले, तो अगर बाद मान लें कि तीन दिन का कम से कम काम होगा। हाँ तीन दिन के बस मौका है। तीन दिन में हम अपन बाउंड्री करा के गेट लगा के दीवार जो जुड़ा होगा मैं जुड़ा के नंबर वाले तक। सर प्रणाम। अरे साहब बताओ, साहब का फोन ना उठी है। नहीं नहीं, आपका फोन नहीं उठेगा। क्या नाम है? छबीला सिंह यादव नाम है सर। छबीला जी, क्या है ये जो सोशल मीडिया पे लेखपाल का पैसा लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है? ये सर हम इतना त्रस्त हो गए, इतना परेशान हो गए कि हमको अब कोई रास्ता नहीं मिला, तो हम आपके यहाँ पहुँचे हैं सर। वहाँ जाने पर वो जान से मारने की धमकी देते हैं, हमको इतना परेशान कर दिए कि अंदर आप आइए, यहाँ तक कहे कि यहाँ दिखा जाते हैं तो इनको जान से मार दो, ईंटा पत्थर से मारो। अभी कौन कहता है ये बात? वही जो जमीन गुंडा बदमाश जो लिए हैं, वो गुंडा बदमाश जो लिए हैं वही इस बात को कह रहे हैं सर। लेखपाल साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो क्या है? वो लेखपाल साहब का वीडियो वायरल है, उस दिन हम अपने एक लड़के को लेकर गए और इनका विश्वास हमारे हमसे ख़त्म हो गया उनके ऊपर से। तब हम लेकर गए कि ठीक है 25,000 रुपया हमारे पास है, हम आपको दे दे रहे हैं, बाकी पैसा है हम बाद में आपको दे देंगे।
तो कहे ठीक है चौकी इंचार्ज साहब से हम बात कर रहे हैं, कई दिन में आपका काम हो जाएगा। तो हम बताए उनको कि साहब 3 दिन कम से कम हमको मोहल्लत दीजिए, 3 दिन में हम अपना काम करा लेंगे। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी सर हमारे साथ कोई नया नहीं हुआ। कौन चौकी इंचार्ज हैं? राहुल रंजन सिंह। क्या चौकी कौन सा है? ये लालपुर चौकी है सर। लेखपाल को अभी तक कितना पैसा दे चुके हैं, किस काम के लिए? ये चौहद्दी के लिए, पैमाइश के लिए, ये सब पैसा हम दिए हैं सब। कितना? करीब 1.5 लाख रुपया पहले का है सर, और जो दे दिए हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है सर। 25,000 रुपया दिए हैं सर, उसका हमारे पास रिकॉर्ड। क्यों रिकॉर्ड करना पड़ा? रिकॉर्ड इसलिए करना पड़ा साहब कि जब भी हम जाते थे पैसे की बात करते थे, पैसे के बात करने के बाद पैसा दे भी देते थे, हमारा काम नहीं करते थे। जी क्या नाम है लेखपाल का? राजेंद्र लेखपाल हैं सर। कहाँ पे तैनात हैं ये? ये तैनात हैं सर, ये सोयेपुर पकड़े हुए, उधर गोईठाहा पकड़े हुए, मुंशी प्रेमचंद नगर कॉलोनी है वहाँ पकड़े हुए, उस एरिया में इसी साइड में हैं सर। अब आगे कहाँ तक उनकी एरिया है ये हमको नहीं। कौन सा तहसील है? ये सदर है सर। इसकी शिकायत क्या किसी बड़े अधिकारी से आपने की थी? नहीं सर, हम पैसे की शिकायत किसी अधिकारी से तो नहीं। जमीन को लेकर? हाँ, जमीन के लेकर हम किए थे सर। लेखपाल साहब, पैसा पाने के बाद क्या आश्वासन दिए आपको? आश्वासन तो यही दिए साहब कि आपकी चलिए हम रिपोर्ट लगा देंगे, नापी करा देंगे, जो भी होगा वो आपको हम आपका जो सही चीज़ है उसको हम रिपोर्ट लगा कर आपको दिवा देंगे, गेट लगवा देंगे। लास्ट में हम उनसे बात जब किए तो उस समय कहे कि चौकी इंचार्ज साहब से हम बात कर रहे हैं, बात करने के बाद आपको हम बात कर लेंगे, कई दिन में आपका काम होगा। हम कहे साहब 3 दिन में हो जाएगा। बात की जो राहुल रंजन साहब थे वो जो है सीधा मुंह से बोलते नहीं थे, वहाँ पर खड़े खड़े हम लोग उसी धूप में इतना त्रस्त हो गए साहब। एक तो विकलांग आदमी, न कोई साधन मिलता था ना हेतु मिलता, हम एकदम त्रस्त हो गए। जो कि स्क्वायर फीट आपकी जमीन थी? हमारी 1 बीघा जमीन है साहब, 1360 स्क्वायर फीट। कहाँ पे है ये जमीन? ये सोयेपुर में है साहब, शंकरपुर। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे सर कि हमारे साथ न्याय किया जाए। कितने तारीख को लास्ट आपने पैसा दिया था? ये लास्ट पैसा साहब 13 तारीख को दिया। 13 तारीख कौन सा महीना? अरे 13 तारीख नहीं सर, ये 3 तारीख को, 3 तारीख को हम लास्ट बात किए। बात करने पर वो कहे कि ठीक है चलिए आप काम आज हम जा रहे हैं करा रहे हैं, और जो है क्या नाम है जो आपकी गेट आए थू की बात है वो हम थानेदार साहब उनके घर पर दिए हैं सर। घर कहाँ है उनका? उनका घर वही मुंशी प्रेमचंद नगर कॉलोनी में है।